पवन जगावत आग को दीपक देत बुझाए। दीपक जो है वो भी आग है और पवन भी आग है, एको को उठा देता है एको को बुझा देता है, तो हमारे साथ तो हमेशा होते रहा है। इच्छा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मेरे पर केस जो चल रहा है, मैं अकेला अपना फाइट कर रहा हूँ, आर्गुमेंट मैं जज के सामने मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वकील को हायर करूँ। नीचे धरती, ऊपर आसमान, बीच में पासमान सब डोल रहा है। अब छोड़ दो बात, जीवन भर नौकरी करने के बारे में और नौकर बनने के बारे में सोचते रहे, इसलिए आरक्षण के जाल में हमें फंसाया जाता है कि ये परसेंट वो परसेंट। आरक्षण नहीं मिलता है, दबाया जाता है, उन्हें हम इस पटल पर ला रहे हैं कि दुसाद जात हमारी एक पटल पर आए और हम उनको सही रोजगार, सही शिक्षा, सही रोटी कपड़ा और मकान दे सकें। जब हमारा समाज जागेगा, एक पटल पर आएगा, एक समाज शिक्षक समाज बनेगा, तो एक न एक दिन जरूर उसे अपना अधिकार मिलेगा। कहते हैं शिक्षा इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसीलिए बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन क्या कहेंगे, वर्तमान में जो स्थिति है, चाहे वो दुसाद जाति हो और भी तमाम दलित जातियां हैं, शिक्षा तो अब बिल्कुल ये प्राइवेटाइजेशन लगातार होता जा रहा है, नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, तो क्या लग रहा है आपको शिक्षा दलितों के लिए बची हुई है इस देश में? देखिए, जो शिक्षित होगा कामयाब वही होगा, शिक्षा ही एक सर्वप्रथम सबसे बड़ा धन है। लेकिन शिक्षा तो महंगी होती जा रही है ना सर? शिक्षा महंगी होती जा रही है। शिक्षा के लिए गवर्नमेंट कहती है, हम शिक्षा को अपने सभी लोगों से, समाज से आग्रह करेंगे कि अगर जो बच्चा कॉलेज में नहीं पढ़ सकता है, हम उसके लिए चंदा लगा करके, हम समाज सेवा करके उसको एक रास्ता दिखाएंगे, पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसे हम फंड अर्जित कराएंगे, अपने भाइयों से सहयोग मांगेंगे। MBBS की फीस 20 से 30 लाख रुपए, कैसे कराओगे सर बताओ? जी, सात परिवार के लोग जो है MBBS कर पाएंगे, इंजीनियर कर पाएंगे, बताइए सर। कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी है वो तो बदल रही है ना सर? सर, जो सरकार की पॉलिसी बदलेगी, हम सरकार के साथ जो हमारे इंजीनियर हैं, बदल चुकी है, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे IPS हैं, जो हमारे नेतागण हैं, सबसे हम अनुरोध करेंगे कुछ वो मदद करेंगे, नहीं तो हम सरकार का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी हमारे दुसाद समाज के लोग हैं उनको जगाएंगे। और सरकार का भी अगर हम उस चीज़ को कामयाब करने में असहमत रहे तो हम सरकार का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, लेकिन लगातार प्राइवेटाइजेशन पूरे देश में होता जा रहा है और रिजर्वेशन तो वो वैसे ही खत्म हो गया है, सारे एयरपोर्ट प्राइवेट हो गए, तमाम संस्थान हैं वो प्राइवेट होते जा रहे हैं, नवरत्न कंपनियाँ हैं वो प्राइवेट होती जा रही हैं, नौकरी जो है वो है नहीं, तो कैसे रिजर्वेशन का लाभ उठाएंगे बताइए? देखिए, रिजर्वेशन का लाभ तो सबको, अब मोदी सरकार आई है वो ये कहती है कि रिजर्वेशन ख़त्म करने का प्लान करती है, कहीं एयरपोर्ट बेच रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। हमारा ये मतलब है कि जो भी पब्लिक हो, सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संस्था के साथ जुड़े, संस्था के साथ हम मिलकर काम करेंगे। हमें जो है संस्था के साथ जब हम एकजुट होंगे, एक समूह होगा, ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में हम मिलेंगे, तभी हम किसी चीज़ को कामयाब करने में सक्षम रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? किस जिस दौर में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, इस दौर में आपको लग रहा है कि दुसाद समाज जो है वो ग्रो कर पाएगा? अभी के समय में जो है हालात तो है, जितना आप सोच रहे हैं उतनी बुरी नहीं है। आप पॉजिटिवली हम अगर देखें तो आज शिक्षा में भी काफ़ी जागरूकता आया है, पहले से जो है बच्चे हमारे आज जो है प्राइवेट जो रिजर्वेशन में नहीं जाके जनरल के भी दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, उसमें भी 5% आज भागीदारी ले रहे हैं। तो आज है हमारा शिक्षा में, चाहे स्वास्थ्य में या रोजगार में, बढ़ चढ़ के आगे भाग ले रहे हैं। लेटरल इंट्री जो शुरू हुई है कुछ खास मुद्दे पर हुई है, नहीं है उसमें जो लेटरल इंट्री में शुरू, लेकिन उसमें खास लोगों को रखने के, जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस में सबसे आगे जा रहा है, उस आदमी को बना के CEO, ओम बिरला की जो बेटी है वो भी खास है, उनको रख लिया IAS। अब तो आज के समय में तो खास तो माना जाएगा, चूंकि वो तो ये स्पीकर के बेटी है तो खास तो माना ही जाएगा, उसको तो देना, तो उनके ऊपर बेटी क्यों नहीं है?
दुसाद उस पोस्ट पर जाए, जो पासवान जिस उस पोस्ट पर जाएगा तो उसका भी बेटा बेटी उसी पोस्ट पर आएंगे। लेक्चरर इंटीनियर चाहे लेक्चरर में भर्ती हो, चाहे आईएएस में हो, चाहे आईपीएस में हो, जिसमें भी हो, तो होगा आने वाला समय दिन पर दिन तो पोस्टें घटाते जा रही है ना सरकार, जिसके वजह से जो है सवाल तो मेरा वही है ना, इस दौर में आप लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे सर? सर्वाइव तो हमारे जो एक से एक मिल के कड़ी हम जोड़ेंगे, और आने वाला दिन में अगर हमारी बातों के सरकार नहीं सुनेगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे उनको, जस्तर पर काम करेंगे। और आने वाला समय में पहले जो है जहां हमारे समुदाय के लोग जो कूड़े कचड़े में रहते थे, आज देखिए आम जो है कन्वेंशन हॉल में हम प्रोग्राम आज तक से हुआ है, इसमें बाबा साहब की वजह से है ना, बाबा साहब के आके रिजर्वेशन की वजह से हुआ ना, रिजर्वेशन मिलेगा भी आने वाला समय में, प्राइवेटाइजेशन में भी हमारा रिजर्वेशन होगा। रिजर्वेशन बचा है क्या अभी इसमें? रिजर्वेशन बचा है जो जिस गवर्नमेंट पॉलिसी में तो हमारा है ही रिजर्वेशन, और प्राइवेट में उसके लिए हमारे जो लोग हैं लड़ने की कोशिश करेंगे उसमें। ये तो 10% जो है ना उनको जो दान दे दिया गया है, उनके लिए लो बड़े लोगों को दान दे दिया गया है, हाँ पहले से भी उनका था और आज भी दे दिया उनके लिए, और हमारे लिए जो है उनसे बढ़िया कि 10% बच्चे हमारे जो है आज जनरल कैटेगरी में जा रहे हैं, उसमें जो पहले जो रिजर्वेशन में जाते हैं लेकिन 7% जाते थे, लेकिन आज 10% जनरल में जा रहे हैं। देखिए इस लड़ाई को हम अपने समाज के युवा लोगों को जोड़ेंगे और चरणबद्ध तरीके से जो हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे और डोर टू डोर जा करके लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, और अपने बल पे हमारा क्षण के इंतजार क्यों करें, अपने बल पे हर बच्चे हर परिवार में एक शिक्षित परिवार बनाएंगे और हर बच्चा को एक जो है एक उच्च शिक्षा दिलाने का काम किया जाएगा, और वो हमारे संगठन के माध्यम से उसको जो है जागृत किया जाएगा, क्या नाम है कि उसको समझाया जाएगा कि आप ये चीज़ करिए। सीमित सीटें हैं, सीमित कॉलेज हैं, कैसे कैसे सर सीमित कॉलेज है उसके लिए हमारे जितने शिक्षित जो है समाज के जो रिटायर टीचर हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस दिलाएंगे, हम अपने जो है समाज को एक शिक्षित आप खुद उस पर हम काम करेंगे, इंस्टीट्यूट बनाने की हम प्रक्रिया कर रहे हैं कि ताकि उसमें हम जो आईएएस बच्चे जो है नीट या एमबीबीएस हैं उनको जो हम जो है ट्यूशन करा सकें, मतलब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ने की कोशिश करेंगे, शिक्षित जो है समाज बनाने का हम जो है संकल्प करेंगे। सरकार से सरकार अपना काम करेगी, संगठन अपना काम करेगी, अगर हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो हम इंतजार करके हाथ पर हाथ धरकर हम बैठ नहीं सकते। सरकार ही ना सर करेगी सरकार, लेकिन हमें भी तो अपना करना है, हम तो बिल्कुल खोलेंगे, दुसाद यूनिवर्सिटी खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे, आने वाले टाइम पे आप देखेंगे, दुसाद रेजिमेंट बनाएंगे, यूनिवर्सिटी के जहाँ तक से बात करते हैं यूनिवर्सिटी तो बनाएंगे, जैसे आज बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बना, पहले था इतना बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नहीं था, लेकिन अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बना, और आज हम रेजिमेंट की मांग करेंगे पासवान रेजिमेंट बना जाए, पहले दुसाद रेजिमेंट था लेकिन अब बीच में जो खत्म कर दिया गया था, अब और उसका डिमांड हो रहा है कि जो पासवान रेजिमेंट बनाया जाए, और कुछ ही दिनों के बाद में हमारा पासवान रेजिमेंट बनेगा, जिस तरह से गोरखा है, राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, उसी तरह से पासवान रेजिमेंट बनेगा। तो अग्निवीर कर दिया, कैसे करोगे रेजिमेंट? अग्निवीर से ही चुनकर हम जो है पासवान रेजिमेंट बनाएंगे, जो उसमें से जो 75% को निकाला जाएगा 25% बचेंगे, उसमें से जो हमारा निकले तो उसमें रेजिमेंट बनाएंगे हम उनको, आखिर दूसरा उपाय क्या है मेरे पास में, कोई उपाय तो है नहीं बच रहा है। पासवान जी कैसे कहें, बड़ी लड़ाई है, आपने भी लड़ी है लड़ाई, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से लगातार आप लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल, और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री लगातार आपके कामों को नकारती रही है। देखो पहला लड़ाई है, पहला मेरा तो आपसे अनुरोध है, और मैं रिस्पेक्टफुल आदमी है कि आप हमारे समाज को हमारे नज़दीक आए हैं और हम लोगों को इतने बड़े तजुर्बे दे रहे हैं कि भाई हम लोग समाज को जोड़ने के लिए और समाज को दिखाने के लिए, ये पहला आप रेस्पेक्टेड आदमी हैं, और मैं इस समाज से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग बहुत कुछ दे सकते हैं, कर सकते हैं समाज को, और मैं राम प्रवेश पासवान मैं दावे के साथ कहता हूँ कि देखो जी रिजर्वेशन आज भी नहीं था, कल भी नहीं था रिजर्वेशन, ये मेरा दावा है। बाबा साहब के टाइम में रिजर्वेशन नहीं था, कहाँ था रिजर्वेशन उस टाइम, लेकिन बाबा साहब ने जो अपना कर्म किया, जो अपनी एजुकेशनल अपनी ताकत से, जो अपनी विल पावर से और अपनी त्याग से जो उन्होंने पैदा किया, आज सिम्बल ऑफ नॉलेज बोलते हैं हमारे इंडिया को, एसी में पूरा विश्व रिकॉर्ड तैयार किया, तो रिजर्वेशन तो आज भी नहीं है, कल भी नहीं था, हम रिजर्वेशन के घुटने रिजर्वेशन के बैसाखी से हम नहीं चलने वाले हैं, हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। और देखो आप देखो एसी एंटरप्रेन्योर कहीं है इस देश में? आज मैं एसी एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं
इतने बड़े मैं कॉरपोरेट का हस्ती मुझे माना गया है कि मुझे पूरी प्रशासन और पूरी आईएप से ही जो जितने ऑफिसर उसमें का जो जनरल कम्युनिटी ऑफिसर है सब मेरे ऊपर भिड़े हुए हैं और मेरे ऊपर केस किए हुए हैं और मुझे मेरी एम्पावरमेंट को लॉस करने के लिए और मुझे प्रेशराइज करने के लिए मुझे एटोसन हो रहा है और मेरा कम से कम मैंने इतनी कंट्रीब्यूशन दिया अपने देश में कि मैंने अपने प्रॉपर्टी भी दिया जो कि फ्री क्लोटर गारंटी है ये स्कीम बीसे पैसे जिसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल फॉर पर्सन शेड्यूल कास्ट इनहेंसेस क्रेडिट ग्रेट गारंटी फंड है जिसमें 2000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है लेकिन आज तक हमारे समाज के लोगों को किसी को बताया नहीं गया कि लोगों को 4000 करोड़ 5000 करोड़ में सेटअप के लिए दिए जाते हैं पर दलितों के साथ ऐसा क्यों नहीं दलित के साथ इसलिए होता है कि दलित जो है ना आज भी मैं बोल रहा हूँ दलित अपने अधिकार को और अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहा है नहीं जान पा रहा अधिकार वो है देखिए सबसे बड़ा पहला तो अधिकार क्या है कि ह्यूमनिटी अगर हम इनिस मनुष्य हैं बाबा साहब के टाइम में क्या था अधिकार क्या था बताइए लेकिन आज हमारे पास तो सब कुछ है एजुकेशन है विल पावर है और हम अच्छे अच्छे एक तरह से रिजर्वेशन बाबा साहब का रिजर्वेशन लेके हम काम कर रहे हैं तो रिजर्वेशन हमारा एक कोई मुद्दा नहीं है मैं रिजर्वेशन से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि रिजर्वेशन से ही मैं आगे बढ़ूँगा मेरा अपना ताकत मेरा खुद का ताकत मेरी अपनी ह्यूमनिटी और मेरी काबिलियत कि मैं समाज को दिखा दूंगा कि देखो जी हम हर जगह हर क्षेत्र में हम आगे हैं आज भी हम जो है आज भी एंटरप्रेन्योर हम स्किल्ड लोग हैं लेकिन हमको कहा जाता है कि आप स्किल्ड नहीं हैं एजुकेशन स्किल्ड हम लोग नहीं माना जाता है लेकिन हमने करके दिखा दिया आज देखो मेरे पर केस जो चल रहा है मैं अकेला अपना फाइट कर रहा हूँ आर्गूमेंट मैं जज के सामने मैं खुद कर रहा हूँ मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वकील को हायर करूँ लेकिन आज मुझे प्रेशराइज दबाने का इतनी खुशी लेकिन मैं कहाँ दबा और मैं अपनी बात रख रहा हूँ समाज में और लड़ भी रहा हूँ और मैं आपको सामने देखिए कि मेरे प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट फेल कर दिया गया था कोलैप्स कर दिया गया था लेकिन आज प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया मैंने खड़ा करके सबके सामने बिस्कुट खिला बताइए आज के दौर में जो है इन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग रखा अपना कि जो आज हमारे जो इंडस्ट्री के जो क्षेत्र में हमारा जो जीरो पर है लेकिन मेरे जैसा एक आदमी जो है ना कि उस क्षेत्र में जाके झंडा गाड़ने का काम किया उसी तरह से तो भेदभाव तो होता है ना कहीं ना कहीं भेदभाव तो हमेशा होते रहा है पहले के समय में जो है आज प्राकृतिक भी हमारे साथ भेदभाव करता है पहले एक जो होता है कि पवन जगावत आग को दीपक देत बुझाए दीपक जो है वो भी आग है और पवन भी आग है एगो को उठा देता है एगो को बुझा देता है तो हमारे साथ तो हमेशा होते रहा है तो हमने भेदभाव तो हमेशा प्राकृतिक करते आया है उससे भी हम आगे जितने दबाओगे उतने ब्लास्ट की तरह हम आगे जाएंगे और आज वो नहीं रह गया कि पासवान अब जो है दबे कुचले लोग रह गया अब जो है पासवान नीचे धरती ऊपर आसमान बीच में पासवान सब डोल रहा है अब छोड़ दो बात वो समय नहीं रह गया कि जो अब दबने वाले हैं अब एक से एक जो है हमारे पासवान चाहे आपके जो है चैनल के माध्यम से हमारे देखिए माही जी भी देखिए आज मीडिया में कोई नहीं था और देखिए मीडिया में आज जो है दहाड़ रहे हैं माही जी हमारे जो है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप चैनल हम कह रहे हैं कि आरक्षण की वजह से हम अपने कोई काम नहीं कर पाते आरक्षण हमें मिलता क्या है किसी के हमें जो आरक्षण भी मिलता है वो ट्रेन में झाड़ू लगाने के लिए और डी ग्रेड की नौकरियों के लिए इनमें ज़्यादा वैकेंसी होती है हमारे आरक्षणों के कारण अगर कोई एंटरप्रेन्योर बने खुद ही बिजनेस करना चाहे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में ये सिखाना चाहिए लोगों को अपने ये जागरूकता करेंगे कि वो खुद का बिजनेस करें हम नौकरियां लें क्यों हम मांगें क्यों हम नौकरियां दें हमें ऐसा बनना चाहिए और हमारे समाज में ये थिंकिंग डालनी चाहिए हमारे समाज में क्या थिंकिंग डाल दी जाती है आरक्षण लो और नौकरी करो और फिर उन वो नौकरी के भरोसे ही दबे रह जाते हैं ज़िंदगी भर और अपने लिए कुछ नहीं कर पाते जो उद्योग में जाता है अपने बिजनेस को बड़ा करने की कोशिश करता है तो वो अपने जैसे सैकड़ों का बेनिफिट करता है और अपने जैसे सैकड़ों को और रोज़गार देता है और अपने समाज को बढ़ाने के काम करता है जितने भी बड़े समाज के लोग होते हैं जो कहते हैं ना ऊंचे जाति के स्वर्ण लोग ना कि 70% वो लोग ये करते हैं कि वो अपने अपने उद्योग चलाते हैं अपने अपने बिजनेस चलाते हैं और एक नौकरी कर रहा होगा पहले ही घर में लेकिन वो अपनी नौकरी के दम पे अपने पैसे फाइनेंस करके अपने छोटे भाई को दूसरे भाई को कोई ना कोई बिजनेस खड़ा करके दे देता है और वो उस अपनी सैलरी से ज़्यादा उसके बिजनेस से पैसा कमाना शुरू करता है तो हमें ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए हमें उलझा दिया जाता है आरक्षण 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 के चक्कर में ताकि हमारा फोकस जो है वो सिर्फ सैलरी सैलरी नौकरी नौकरी पर लगा रहे और हम आगे अपने लिए कोई कुछ
ना कर पाएं और हम जीवन भर नौकरी करने के बारे में और नौकर बनने के बारे में सोचते रहें, इसलिए हमें ये आरक्षण के जाल में आरक्षण के जाल में हमें फंसाया जाता है कि ये परसेंट वो परसेंट। हमें आरक्षण जो मिलता भी है आप देखो मुश्किल से मुश्किल, मतलब 0.1% ही है सब हमारे में, मतलब वर्ग में लोग होंगे या SC ST के लोग होंगे जो हाई रेंज पे जाते हैं, हाई रेंज मतलब अफसर रैंक पे जाते हैं, वरना आप देखो 90% ऐसे आरक्षित लोग होंगे हमारे जो झाड़ू लगा रहे हैं और गटर साफ कर रहे हैं और क्या कहते हैं आपके रेलवे में पटरियां ठीक कर रहे हैं, है ना। तो ज़्यादातर हमारे जो समाज के लोग हैं या बहुत कम, मैंने बोला आपको कि परसेंटेज मैंने क्या कहा, सबसे शुरू में यही कहा कि 0.1% मान लीजिए हम गिन सकते हैं, अगर हम पूरे भारत में काउंटिंग करें तो हम गिन सकते हैं कि इतने समाज के लोग हैं हमारे जो किसी चीज़ में हाई रेंज पे है, वरना